तो यहाँ पे जाने लग गए मेहमान लोग और यहाँ पे लग गए भैया की ड्यूटी सुबह सुबह झाड़ू लगाने के पूरे आंगन में। तो यहाँ पे भाभी जो गाय के नीचे मोल होता है वो निकाल रही है, ये है दालचीनी का पेड़ जो। तो मैंने अपने कंधे में रख लिया सामान, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है अंकित रावत और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के कंडेरी क्षेत्र से। तो आज सुबह ही सुबह मौसम बहुत सुहावना हो रहा है क्योंकि कल रात बहुत बारिश हुई थी। क्या बता रहा? कुछ भी बताया लिया थी जीवन बता वही था जीवन क्या था काका सही काका था को रहा था बोर्ड पावर से गांव की है गांव नो क्या था मेरा हैविंग। अच्छा बाकी क्या नो क्या था। अच्छा ये बीड़ी खूब लगती है बीड़ी। हां दिन भर कितनी पी लेते हो? दिन भर दो बंडल। बस दो बंडल? मां जी मैंने सोचा था दो बीड़ी दो। अरे इसको हजम कर जाते हो? कैसे 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 करते हो हजम? खाते पीते रहोगे क्या तो? अच्छा और क्या था ना ये डाल बैठियो। हाँ पाको बस मार को आज। अच्छा और अब खाना हो गया ना, अब इसके बाद दौड़ कहाँ है? आपको चक्कर की नहीं है, आप घर पे जाएंगे। अच्छा भात पकाएंगे। अच्छा कल को हमारे मच्छी ले रखे मच्छी हमने तो नहीं खानी है ना, ना तुम नहीं खाना मच्छी सागर भात। अच्छा बहुत का दासी अच्छा खा जो तो वो तब तक बालों काला ये फंस जाएगे तब मर जाएगा। बाकी जो कम पेश है वो तब होली में कर दी थी मैंने सब जो बची थी होली में सर गाँव की दो इना बतोता मां की बतान तुम मां तुम्हारी वीडियो बनी नहीं और क्या ये वीडियो दुनिया देख ले अब सर गो करो कोई बोल पागल का ना ना कर चैनल देखो तो पदन बोल कोई पदन चाच गुनो बोलो। अब जैसे वो आएगी क्या बोलते हैं मछली आएगी मछली खा लोगे? अरे कांटे कांडा कांडा तब खाऊंगा कांडे भी खाओगे बाद ये माजी दांत दांत मजबूत हैं। हाँ उस जमाने के पुराने जमाने के दांत मजबूत है और क्या निरोग है। देख लोग जो दे समझे या चीनी वो बुना चीनी हमारे तो उठना मुश्किल बहुत सारे गांव घूमती है वो तो कह रहा हूँ बॉडी पूरे गांव घूमती है। देखो कड़क है उधर भी जाते हो बैंड की तरफ सब जगह। कब जाओगे? शाम के टाइम? शाम को जाओगे। अच्छा जब सुबह दुकान शाम को ही खोलता है? पढ़ा नहीं स्कूल तक। स्कूल क्या पढ़ने को घूमने को तो भाभी ने सुबह सुबह आज चाय बनाई है, दोनों भैया चाय लेके बैठे हैं और मैंने भी यहाँ पे चाय ली है तो अभी थोड़ा चाय का मजा लेते हैं। और यहाँ पे हमारे भाभी का जो डेली रूटीन होता है सुबह किचन का सफाई करना, तो भाभी अभी ना सफाई करने में लगी है और यहाँ पे लगी है भैया की ड्यूटी सुबह सुबह झाड़ू लगाने के पूरे आंगन में। और यहाँ पे गाय के गुटार में तो ये चिड़िया के बच्चे हैं, इनको गुतनी बोलते हैं। ये देखो एक दो तीन तीन बच्चे हो रखे हैं और पूरे गुठियारे में लगभग 8-10 घोंसले हैं बच्चों के और बाहर वाले में भी हैं शायद। और एक यहाँ पे है ये उनसे बड़ा हो चुका है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी। बारिश से सारे खेत एकदम पानी पानी हो गए, थोड़े से उनको भी पानी मिलने से खेत में जो पेड़ वेड़ पौधे लगा रखे थे वो भी थोड़े से बाहर निकल। तो यहाँ पे भाभी जो गाय के नीचे मोल होता है वो निकाल रही है और इसको इसमें कपड़े में बांध के खेत में डाल के आएगी, ये इनका रोज का काम है। और भाभी ने यहाँ पे कुछ गायें भी बांध रखी हैं, एक दो दो गायें हैं दो बल्द हैं। और बच्चे
तो यहाँ पे हो रही है सुबह खाने की तैयारी। इधर भाभी आलू काट रही है, बानो जरा मसाला तैयार कर रही है, जो हमारे तो जो हमारे यहाँ दो रिश्तेदार रखे थे वो जा रहे हैं, तो उनके लिए खाना तैयार हो रहा है। तो भैजी आज जा रहे हैं चुरकंडी, और जो भाभी की बहन आ रखी थी वो भी जा रही है, तो यहाँ आएंगे 26 तारीख में। तो अभी जरा नाश्ता हो रहा है, तो भाभी ने यहाँ पे बनाई थी आलू की सब्जी, इधर दही है और चाय है। तो जरा अभी नाश्ता करते हैं, फिर इनको छोड़ के आते हैं बैंड तक, गांव के स्टेशन तक। हाँ, जो स्टेशन है मेन जस्सू भाई की दुकान पे। तब और यहाँ पे मेहमान जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बहुत तेज बारिश आ रही है, तो शायद लगता है मेहमान आज जाना कैंसिल करेंगे। अरे देखो चारों तरफ बारिश ही बारिश हो रही है, और ये बारिश अभी स्टार्ट हुई है बिल्कुल अभी। तो यहाँ पे हमारे मेहमान लोग जाने लग गए हैं, तो अब भाई तो आएंगे 26 तारीख में, और जो भाभी की बहन है उनका पता नहीं वो आएंगी नहीं आएंगी। तो इनको जरा बैंड तक छोड़ के आते हैं। तो मैंने अपने कंधे में रख लिया सामान, और मैं इनको छोड़ के आ रहा हूँ जरा रास्ते में। और दो जनों को छोड़ने के लिए आप देख रहे हो पूरा परिवार आ रहा है, एक दो तीन चार, इतना प्यार होता है देख लो हम लोगों में आपस में। तो आधे रास्ते में ले जा रहा हूँ, जहाँ पे मुझे थोड़ा थकान लगेगी तो भाभी को दे दूँगा, नहीं तो मैं ही लेके जाऊँगा बैंड तक। तो यहाँ पे जाने लग गए मेहमान लोग, ओके। तो यहाँ पे जाने लग गए मेहमान लोग, भैया। तो कल गए थे हम जंगल में, तो आज भी जा रहे हैं। तो हमारे साथ दो तीन जो गाय हैं बल्द हैं, उनको जरा दूर तक भगा के आते हैं, उसके बाद थोड़ा जंगल में बैठेंगे थोड़ी देर, फिर वहाँ से घास काट के तब आएंगे घर। अभी जो सुबह बारिश हुई थी तो उससे थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया है। तो मेरे हाथ में तो है थमोली, हर जंगल जाते हैं, थोड़ा लकड़ी भी काटेंगे आज, घर लाएंगे। और आज नज़ारा कुछ मस्त हो रखा है देख ला, चारों तरफ बादल हैं, मौसम है, बारिश दोबारा से भी आ सकती है। तो कुछ लोग जा रहे हैं आगे आगे जंगल में, गांव में ना गाय भैंस चराने भी महाभारत है। अब दो तीन गाय को ला रहे थे जंगल से, तो मेरे हिंसर के पेड़ की जो होती है ये देखो यहाँ पे लग गई सारे में, लेकिन फिर भी हमने हकाई दिए बस। अब गाय पीछे रहेगी, अब उनको लेके चल रहे हैं आगे तक, फिर लाएंगे वापस शाम को। सो दोस्तों मैं आया था जंगल में, और जंगल में मुझे दिखाई दिया ये पेड़, ये है दालचीनी का पेड़, जो कि बाजार में हम उसमें खाने पीने में यूज करते हैं इसको। और ये देखो मैं कुछ घर के लिए भी लेके जा रहा हूं, मीठा लग रहा है थोड़ा, और सही नहीं लड़ेस ना सभी है तो सासा डेढ़ सौ तीन मौत दे दो। तो यहाँ पे चाची लोग जरा घर के लिए अपना जो गायें भैंस है उनके लिए घास काट रहे हैं, और मेरी भाभी देखो ओ पेड़ में चढ़ी है। अई ना भैजी जरा पेंट है सीने कौन आवा मेरे बच्चे तीन लोड़ आनी छन मेरे बोल पहल कने रे छनी कु का और घास जानी आ काय बात है मेरे तीन गोर तो छैनी न और रसले माल वार बड़े कोई हल्ला बला को बात है तुम्हारा एक लाणी छे तुम तो गोरो खाणो पानी जुगु भरो लाछ हूं। तो घास काटने के बाद अब जरा यहाँ पे थोड़ा आराम कर रहे हैं, और घर से जो केले लाए थे अब वो केले खाएंगे हम जरा, उसके बाद घर चलते हैं। ये भाभी लाई थी बिस्कुट घर से, और घास ला के सबको लग गई थकान, कोई देखो कैसे पड़ा है, इधर भाभी कैसे बैठी है, और इधर चाची और इधर भैजी बीड़ी पीने में लगे हैं, थकान मिटा रहे हैं नीचे से आके। और आज मुझे भी लग गई थकान, और जरा भूख लग गई, अब जरा घर जाके खाते हैं। तो जंगल से आने के बाद लग गई थी भूख, तो घर में बांधों ने बनाए थे दाल चावल, इसने और भाई ने तो खा लिए, तो हम अब जरा खाना खाते हैं। तो खाना खाने के बाद करते हैं आपको शाम को आपसे बात।
और मेरे साथ भाई भाभी लोग जा रखे थे, तो इनको भी लग गई भूख, तो ये भी खा रहे हैं और मैं भी खाता हूँ, फिर करते हैं आपसे बात हम। तो शाम के बज गए अभी 5:30, तो मैं जा रहा था अपनी दीदी के यहाँ, मेरी दीदी आई थी सुरमी और उनका लड़का रखा था, तो मैं जा रहा था उनके यहाँ पे, तो दीदी लोग मेरे ही घर पे आ चुके हैं, तो उनके घर पे जाना था दीदी लोग, और भतीजा भांजा भी आया मेरा, तो चाय वहीं पे पीनी थी, तो वो तो चाय कैंसिल हो चुकी है क्योंकि अब मैं घर पे ही पी रहा हूँ चाय, तो थोड़ी देर में दीदी के यहाँ पे चलूँगा, अभी थोड़ा घूम के आता हूँ फिर गाँव में। और अब होने लग गई है रात के खाने की तैयारी, तो बानू बना रही है आलू और फ्राइड बीन की सब्जी, तो कढ़ाई लगा चला दी इसमें मैं, तो यहाँ पे अभी ज़रा तैयार हो रही है सब्जी, और दूसरी तरफ भाभी आटा गूंद रही है, रात तक थोड़ी देर में खाना वाना तैयार हो जाएगा। तो खाना रेडी हो चुका है, खाना सब लोग बैठ के खा रहे हैं यहाँ पे, तो इधर भुज्जी तैयार हो गई, इना बानू लगी चाह हमारी, इना भैजी छीन बड़ा, इना मैं से बड़ा भैजी छीन, और यहाँ पे मैं खा रहा हूँ भात, और उधर वो दाल गरम हो रही है जरा। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा, तो मिलता हूँ आपको एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।